उत्तराखंड के उधमपुर सिंह नगर में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए डाबर कंपनी ने अपने सामाजिक दायित्व परियोजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित किया। डाबर लिमिटेड ने अपनी सामाजिक दायित्व परियोजनाओं के अंतर्गत ऊषा सिलाई स्किल के साथ मिलकर गदरपुर तहसील के ग्राम पंचायत खटोला में 15 महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग का उद्देश्य सभी महिलाओं को सिलाई में वर्तमान समय की जरूरत के हिसाब से अपने कौशल को उन्नत करना और भविष्य में दूसरी महिलाओं को ट्रेनिंग देना है। इस मौके पर डाबर कंपनी की तरफ से यूनिट हेड श्री माल्या रंजन जयपुरिया और डाबर लिमिटेड कंपनी के एचआर हेड दिनेश शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे तथा ट्रेनरों को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। हम सबसे पहले तो मैडम का धन्यवाद करते हैं और डाबर वालों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमको पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी, उसके बाद ये 9 दिन की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी, जिसमें हमको जो चीज़ें नहीं आ पा रही थी वो अच्छी तरह आ गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ हमको ये बैग बनने को सिखाने को मिल रखा है, जो हमने बहुत अच्छी तरह बताया। हाँ, इससे हमारे बैग लोगों को पसंद आ रहे हैं, लोग हमसे हमको डिमांड दे रहे हैं बनाने प्रेमा पाने। जैसे दिनेश जी ने थोड़ा कुछ बताया हमारे डाबर की तरफ से, जो हम लोग ये हम प्रावधान और बहुत से हम तत्पर हैं कि ये सारी चीज़ें जो सीएसआर के थ्रू आता है, बहुत सारे इनिशिएटिव से लिए जा रहे हैं और यही 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 हमारी आगे भी अभिव्यक्ति ये रहेगी कि ये चीज़ें हम और भी तरह से करेंगे, और भी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण हम करेंगे, सो दैट हम समाज को जैसे वापस कुछ दे सकें। और हमारी ट्रेनिंग में यही है कि जैसे मतलब एक ट्रेनर और 10 ट्रेनर और 15 ट्रेनर करके आगे चेन प्रोसेस के जैसे ये बढ़ता जाए, और इससे आगे भी डाबर बहुत सारी चीज़ों में जुड़ी रहेगी और हम आगे बहुत वी आर वेरी होपफुल कि ये सारा चीज़ें हम लोग करके बहुत अच्छे से एक मानदंड तैयार करेंगे और आगे भी हम इसमें तत्पर रहेंगे। मैं डाबर को हेड कर रहा हूँ, यूनिट हेड मलय जैसे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।